सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम बात करेंगे 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है उसके बारे में सीजीएल के। तो देखो भाई, सारे अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। आपका क्वेश्चन आ रखा था, सीएम पूछा हुआ था मेघालय का, जम्मू एंड कश्मीर की एक योजना से क्वेश्चन था, ओयो होटल से क्वेश्चन आ रखा था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर क्वेश्चन था, लाइमस्टोन के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा कोई म्यूजिक से रिलेटेड उनका कुछ था, वो क्वेश्चन आ रखा था, ओके। साहित्य एकेडमी अवार्ड से क्वेश्चन था, 2011 पद्मश्री से कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन था। ज़्यादा बच्चों से बात नहीं हो पाई है, बस जितना हो पाया है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आर्टिकल 24 लेबल से रिलेटेड क्वेश्चन था, चालुक्य का जो भी शासन वासन था उनसे कुछ पूछ रखा था, दिल्ली सल्तनेट का ऑर्डर पूछ रखा था उससे क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल पूछ रखे थे, कंज्यूमर टू बिजनेस कुछ ऐसा टाइप का क्वेश्चन था, ई कॉमर्स का, डांस रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे थे, कालिदास अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है। तो ये तो था करंट अफेयर्स एंड जीके, स्टैटिक जीके का मेनली। थोड़ा गला बैठा हुआ है, वॉइस थोड़ी अजीब आ रही हो तो उसे क्षमा करना मुझे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि और क्या क्या आ रखे थे, अब किस टॉपिक से क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, ठीक है। तो भैया, जो जिन बच्चों का डर लग रहा है तो इन टॉपिक्स पे कमांड करके जाओ, बढ़िया काम हो जाएगा। पहले बात करते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन मिले, ऑर्डर रैंकिंग से क्वेश्चन था, पेपर कटिंग से क्वेश्चन थे, एनोलॉजी से क्वेश्चन था, जैसे आता ही है, कंप्लीट पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन थे कि भैया ये पैटर्न पहचानो किसका, ये वो ऐसे करके, मिसिंग नंबर टाइप, वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, 2 मैट्रिक्स के क्वेश्चन आ रखे थे, ठीक है। एंड क्यूब सिलॉगिज्म स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। एंड मिरर से क्वेश्चन था। रीजनिंग की इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे भाई ये है कि रीजनिंग में आपका जो कैलेंडर है, क्लॉक है और जो सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रखे थे, तो उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। कैलेंडर, स्पेशली कैलेंडर एंड क्लॉक पे टाइम वेस्ट मत करना मेरे भाई, ठीक है। कई बच्चे पूछ रहे थे मेरे से। फिर मेरे भाई मैथ्स पे आता हूँ, नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्काउंट में से क्वेश्चन थे, एज यूजुअल सब सीपीओ बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, जो सीपीओ भी हुआ था उसमें। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन से क्वेश्चन थे, आपका जो एडवांस है उसमें ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, मेंसुरेशन में थोड़ा बहुत सर्कल से क्वेश्चन थे। तो वैसे मैं आपको एक राय दूंगा पर्सनल राय कि आप एडवांस में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, जो बच्चे जिनका मैथ्स कमज़ोर हो वो एरिथमेटिक करके जाओ। अभी आप मेन मोटो ये रखो कि किसी तरीके से आपको कट ऑफ निकाल लिए, बाकी मेंस में देख लेंगे मेरे भाई सब कुछ, ठीक है। अब आता हूँ मेरे भाई, जीके मैंने बता दिया है आपको, मैथ्स बता दिया है, रीजनिंग बता दिया, अब आता हूँ मैं किस में, इंग्लिश में, जो कि मेरा पोर्शन है, मैं बता देता हूँ। एंटोसिनोनियम्स, वन वर्ड और ईडियम्स जो हमने आपको कराए हैं मेरे भाई, वो ही कराए हुए आ रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे उससे मतलब मैं अपने आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, जो बच्चा मेरे से पढ़ा है वो समझ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। पैराजम्बल से क्वेश्चन था, एक्टिव पैसिव नरेशन से एक एक क्वेश्चन आया है, क्लोज टेस्ट क्वेश्चन था, क्लोज टेस्ट थोड़ा सा घुमाना चाह बट सही था, स्पेलिंग से था, स्पेलिंग आ रखी थी अकरेंस की, तो ये सारी चीज़ें पता लग पाई है। ऐसी सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का, जो जो पता चलेगा फोर्थ शिफ्ट का भी, वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। वीडियो नहीं आ पा रही है पढ़ाई की, थोड़ी तबियत डाउन चल रही है, कोल्ड वगैरह चल रहा है, बट मैं ऐसे एनालिसिस के थ्रू शॉर्ट शॉर्ट आपको चीज़ें बताता रहूँगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।